आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। जांजगीर जिले के अटल बिहारी ताप विद्युत गृह मड़वा तेंदुभाटा प्लांट के भूविस्थापित संविदा कर्मी अपनी नियतिकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को संविदा कर्मियों द्वारा मड़वा प्लांट का घेराव किया गया। वहीं दूसरे दिन वे कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें SDM कार्यालय के सामने ही रोक दिया, जिसके बाद वे सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आज हमको सुबह 10 बजे से फ़ोन किया जा रहा था SP ऑफिस द्वारा, बार बार फ़ोन आया था हमारे महामंत्री के पास। इतना फ़ोन आ गया कि हमको अपने आप को डरा हुआ महसूस करने लगे। आप ये बताइए, हमारा मांग तो जायज है, हमने ज़मीन दिया है तो नियमितीकरण तो हमको जनरेशन में देना चाहिए, लेकिन प्रबंधन हमसे, हम प्रतिनिधि से क्यों बात नहीं करते? वो डायरेक्टली पुलिस प्रशासन से बात करते हैं, जिला अधिकारी से बात किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो पुलिस के शरण में जा रही है, हमारे बोर्ड के शरण में नहीं जा रही है, तो ये तो सरासर गलत है ना जी। मेरा नाम मनोज कुमार साहू है। हम लोग आज कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे थे, जिसमें पुलिस प्रशासन एवं शासन द्वारा हमको बीच में रोक दिया गया। कंपनी क्या है, दोहरी नीति अपना रही है, किसी प्रकार का हम लोग का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रही है। नियमानुसार हमारी मांगे जायज है। एक प्रकार कंपनी, कुछ व्यक्तियों को नियमित नौकरी दिया गया है और कुछ व्यक्ति को संविदा में दिया गया है, जबकि जमीन सभी का लिया गया है। पुनर्वास नीति का पालन कंपनी बिल्कुल नहीं कर रही है। प्रबंधन होश में हो, होश में हो, दिवंगत परिवार को